हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 100 करोड़ चुके हम और अब हम शुरू करते हैं आज का दिन। ब्रश कर लिया हमने और अब हम चल रहे हैं अपने लिए अंडा और उसके ऊपर बन लगा के सेक कर खाने के लिए ऑमलेट बना के। ये हमारा तैयार हो गया ब्रेड और ऑमलेट, बहुत मेहनत से बनाया हम हो गए तैयार जिम के लिए और हम निकलते हैं जिम। आ गए हम गाड़ी में और अब हम निकल रहे हैं जिम। आज हम सुबह ही सुबह जिम जा रहे हैं क्योंकि आज हमको शाम को कुछ एक दो जगह जाना है, तो हम इसलिए आज हम सुबह सुबह निपटा रहे हैं जिम अपना। जिम की सीढ़ियों में चढ़ने में हालत ख़राब है, अभी भी उस दिन लेग्स लगाए थे तो अभी भी सही नहीं हुआ, अभी भी दर्द कर रहा है। हम आ चुके हैं जिम और अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। आज हमको चेस्ट लगाना है, आज मंडे है तो ख़त्म। सैटरडे को लेग्स लगाए थे और आज मंडे को भी पैर में इतना ज़्यादा दर्द है और ऊपर से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि पैर का उतना इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आज काफ़ी दिन बाद हमने दूसरी वाली गाड़ी से हम चल रहे हैं क्योंकि ये आज लगभग एक हफ्ते या 10 दिन से खड़ी थी, तो हमने सोचा कि आज इसको निकालते हैं, ऐसा ना हो खड़े खड़े इसमें चूहे घुस जाए और तार काट दे। क्योंकि एक बार गाड़ी ऐसे ही खड़ी रह गई थी काफ़ी दिन तक लॉकडाउन के टाइम, तो इसमें चूहे ने पूरी वायरिंग काट दी थी गाड़ी की, तो हमने कहा कि इसको भी चलाते रहते हैं। आज हम चल रहे हैं राहुल भाई के कार्यालय पे, वहाँ हम जा गए भी होंगे। आज हमको काफ़ी दिन हो गए थे, 10 दिन हो गए थे गए हुए लगभग, तो आज चलते हैं, सबसे मुलाकात होगी और आपको भी दिखाएंगे व्लॉग में सबको। तो ये हमारे हमजा भाई हैं, रो रहे हैं बेचारे, इनको प्यार हो गया किसी से, वो धोखा दे रही है इनको। हमजा भाई बेचारे इतने थक गए कि टांगे फैला के ऐसे सो रहे जैसे उनका कुछ बचा ही ना हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हंसी विद प्रिंस भाई, हम निकल चुके कार्यालय से और कार्यालय के बगल में ही पेट्रोल पंप है, तो हम आ गए पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने। गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल कम था तो अब निकलते हैं। अभी हमको जाना है अपना लोअर टी शर्ट और सारी चीज़ें लेने के लिए, तो देखेंगे तो या तो मैक्स में और या तो डिकैथलॉन, दोनों में से कहीं एक जगह देखेंगे, तो उसके बाद फिर आपको हम ले चलेंगे, आपको भी साथ में, आप हमारे साथ व्लॉग में चलिएगा। हम आ चुके हैं अपने शोरूम पे और अभी हम जाते हैं अपने कपड़े लेने के लिए जिम वाले, तो अब हम निकलते हैं फटाख से। हम अपने जिम वाली टी शर्ट और लोअर लेने के लिए, तो आपको दिखाते हैं। हम चल रहे हैं, हम इस टाइम गोमती नगर आए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। हम आए थे मैक्स में, हमको यहाँ टी शर्ट पसंद नहीं आई, तो हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे डिकैथलॉन गोमती नगर वाले, वहाँ पसंद आ जाएगी तुरंत। निकल आए हैं मैक्स के आगे, यहाँ पे विशाल है तो इसमें भी हम आके देखे पर हमको समझ में नहीं आया, इधर है। हम आ गए डिकैथलॉन में, अब यहाँ पे तो एकदम कंफर्म है कि हमें मिल जाएगा जिम वाला अपना सारा, यहाँ पे टोटल स्पोर्ट्स का आइटम मिल जाएगा जितना भी आपको चाहिए होगा। देख रहे अपने लिए यहाँ पे तो हमको मिल ही जाएगा अपने लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा, यहाँ स्पोर्ट्स के सारे चीज़ आपको मिल जाएगी डिकैथलॉन में, ए टू जेड, ये पूरा डिकैथलॉन में खाली स्पोर्ट्स का ही आइटम मिलते हैं। यहाँ पे ये बच्चा जिद कर रहा है, अकेले ही घूम रहे हम और हमें ये दिखा यहाँ पे ये कैंप, ये आप जैसे पहाड़ों पर जाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कैंपिंग के लिए, और इधर सारे जितने आइटम भी हैं वो सब कैंपिंग ही के लिए लगे हैं जितने पूरे ऑल टोटल। कपड़े ले लिए हमने और हम निकल रहे हैं डिकैथलॉन से बाहर। कपड़े लेकर आ गए हमने शोरूम पे और अब बैठे हैं और अब हमको निकलना है। आज सुबह से हम दौड़ रहे हैं और हमको फिर से निकलना है, आज हमारी दीदी की एनिवर्सरी है तो अभी वो हमको बुलाई है, तो चलते हैं और देखते हैं उनको क्या खिलाती है। निकल लिए हम और वो भी अपने घर से निकल लिए है हमारी दीदी भी, तो अब देखते हैं कहाँ चलते हैं क्योंकि हम ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि हम गिफ्ट तो दे नहीं रहे, तो जो हमको कुछ भी खिलाएगी वो हम खा लेंगे चुपचाप। हम कुछ नहीं ले जा रहे थे तो हमने सोचा कि हम केक ही ले लेते हैं, हमने ले लिया केक और हम इतने भी बेशरम नहीं है कि ऐसे ही चले जाएँ। ये अपनी गाड़ी, हम लोग पहुँच गए हैं द मनी शीटिंग पॉइंट, गोमती नगर में है ये, जी जागे चल रहे हैं और ये और पीछे हम भी चल रहे हैं। हम आ चुके हैं मनीष में, आपको दिखाते इधर जीजा भी बैठे हैं और इधर जूली बैठी है, ये देखिए ये आ गया केक, ये हम लेके आए थे जो केक। ये हमारा ऑर्डर आ गया, चिकन मसाला और रुमाली रोटी, और इधर सामने दो लोग हैं और हमारी बिरयानी भी आ गई। पूरा खाना खा लिया और तब से सो रही थी, अब ये सो के उठी है, पूरा डिनर कर रही। निकल चुके हैं हम मनीष से और ये पार्टी हमारे तरफ से थी, ये दोनों लोग जा रहे हैं, अब हम भी चलते हैं अपने घर। दीदी का आने का मन नहीं था जूली का क्योंकि उसकी शायद सुबह से तबीयत खराब थी, पर हमने उसको ज़बरदस्ती कहा कि आओ आओ, तो आई बिचारी, तो ज़्यादा कुछ खाई भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा खाई, और हमने केक भी लेके गए थे और पार्टी भी दी उनको, तो उसको भी अच्छा लगा होगा, ब्लॉग देखेगी तब।
हम आ गए घर और बहुत ज़्यादा पैर में दर्द है, तो अभी हमने मम्मी से बोला है तेल लगाने के लिए पैर में, तो अभी वो आएंगी दबाएंगी पैर और सर में भी हमारे तेल लगा देंगी। बहुत कहने के बाद तैयार हुई हैं, जल्दी तैयार नहीं होती, अब आ रही होंगी तो आपको हम दिखाते हैं उनको भी। मम्मी बहुत कहने के बाद हमारा पैर में तेल लगा रही, पूरे पैर में हमारे दर्द है। सैटरडे को हमने लेग्स लगाया था और उसके बाद अभी भी इतना ज़्यादा दर्द है, और ये मम्मी हमारी हमारी सेवा कर रही हैं ताकि हम इनकी बुढ़ापे में सेवा करें। सर दबवाने के लिए हम जमीन पर भी बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सर में इतना ज़्यादा दर्द, हालत ख़राब है। मम्मी हमारा सर दबा रही हैं और बहुत कहने के बाद ही हमारा सर दबाई है, जल्दी तैयार नहीं हो रही थी तो कैसे भी करके तैयार हुई, अब दबा रही हैं। बहुत आराम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी खाए उसके घर आने के बाद नींबू और पानी ज़रूर पिए रात में सोने से पहले, बहुत ज़रूरी होता है और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आज हमने बाहर का कुछ ज़्यादा ही खा लिया और वो भी काफ़ी दिन बाद, तो ज़रूरी है। और बीच में गलती कर दिया खा के, अब पछतावा हो रहा है, पर आज दीदी के एनिवर्सरी तो मना भी नहीं कर पाए। मम्मी सब ने कहा थोड़ा सा तेल लगाने के लिए, पर उन्होंने इतना ज़्यादा तेल लगा दिया कि पूरे हाथ में तेल लग जा रहा है, तो कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अब आपसे मिलते हैं हम कल अगले व्लॉग में, तब तक ऐसे ही अपने भाई को प्यार देते रहिए और जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए।